नमस्कार दोस्तों, एग्जाम शाक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पिछले लेक्चर में जो हमने पिछले लेक्चर की वीडियो बनाई थी वो बीच में एंड में रुक गई थी, तो इस करके वही टॉपिक दोबारा थोड़ा सा करा रहा हूँ। मैं पिछले लेक्चर के एंड में आपने देखा भी होगा, जब वीडियो खत्म हो रही थी तो एंड में कुछ आपको लगा होगा कि कुछ था जो बीच में छूट चुका है, तो वही चीज हम इससे कैरी ऑन करते हैं। फिर से बताता हूँ मैं, जो उस वीडियो में हमारा छूट गया था वो मैं बता रहा था, स्टैंडर्ड केसेस की बात हो रही थी, कोलैप्स लोड फॉर स्टैंडर्ड केसेस, जिसमें हमने फिक्स्ड बीम का कंसंट्रेटेड लोड वहां देख लिया। अब हम देखेंगे कोलैप्स लोड फॉर यूडीएल ओवर अ फिक्स्ड बीम के ऊपर यूडीएल की बात कर रहे हैं हम उसका कोलैप्स लोड इसमें जानने की कोशिश करेंगे। देखो होता क्या है, जैसे मेरा ये एक फिक्स्ड बीम है, ये क्या हो गया हमारा फिक्स्ड बीम, इसके ऊपर थ्रू आउट द स्पैन एक यूडीएल है, तो इसके लिए अगर मुझे कोलैप्स लोड निकालना है तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया, पिछले लेक्चर में हमने देखा, क्या देखा था कि हम क्या करते थे, सुपर पोजिशन थ्योरम लगा के इसका पूरा कंबाइन बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते थे। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे वो चीज देखते हैं। जैसे अगर मैं इसको पहले सिंपली सपोर्टेड बीम मान के इसका क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार, जो कि यहाँ सेंटर पे कितना हो जाएगा WL²/8। क्लियर होगी बात, ये इसका पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट आया। और जैसे कि हमने देखा इस यूडीएल के कारण यहाँ पे अगर इसको मैं डार्क उससे कर दूं, तो देखो ये अगर ए पॉइंट है तो ये वी ए हो जाएगा, ये बी पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा वी बी, यहाँ पे एम बी लग रही होगी और यहाँ पे क्या लग रही होगी एम ए, जिनको मैं क्या कहता हूँ फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स। और ये फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स का डायग्राम कैसे बनेगा अपना, कुछ इस प्रकार, ये फिक्स्ड एंड मूवमेंट का डायग्राम आपका हो गया तैयार, जो कि नेगेटिव है। अब ये है क्या, एम ए एम बी की वैल्यू क्या है, तो कैसे निकाला था, सबसे पहले तो मैं हमारा मेन काम क्या होता है डीएस निकालना। डीएस क्या है इसकी, क्योंकि हमारी टोटल अननोन्स कितना है, एक एमए हो गया, एक वीए हो गया, एक एमबी हो गया, एक वीबी, टोटल अननोन चार। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी हो गई, दो सॉल्व करके कितना आ गया आपका यहाँ पे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 2। क्लियर हो गई ये बात, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 2 हो गई। तो जब हमारी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 2 हो गई तो मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ हिंजेस कितने चाहिए, यहाँ पे हमें पता है एक एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो 2+1 कितना हो गया तुम्हारा 3। अब ये तीन हिंजेस कहाँ कहाँ फॉर्म होंगे वो अब हम देखेंगे, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो वो कहाँ कहाँ पे फॉर्म होंगे, तो उसके लिए हमने दूसरी चीज क्या है कि एम ए एम बी की वैल्यू निकालना। और वो कैसे निकाला था, पिछले लेक्चर में ही बताया था मैंने, एरिया ऑफ पॉजिटिव बी एम डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ नेगेटिव बी एम डी, यही आपसे डिस्कस किया था। पॉजिटिव बीएमडी का एरिया किसके बराबर होगा, नेगेटिव बीएमडी के। तो यहाँ पॉजिटिव एरिया क्या है, देखो पैराबोलिक है ये, तो पैराबोलिक का एरिया क्या होता है 2/3 इंटू में बेस कितना है टोटल, अगर इसकी लेंथ एल है तो एल इंटू में हाइट कितनी है आपको पता है WL²/8। क्लियर होगी बात, ये तो आ गया आपका पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। यही बात अगर मैं कर लूं नेगेटिव की, तो नेगेटिव मैं कह सकता हूं एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या है एम ए इंटू में लेंथ एल, एल से एल गया कट, तो यहां से एम ए की वैल्यू क्या आ गई, देखो WL²/12। तो ये एम ए और एम बी बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपका WL²/12 और एम ए भी क्या हो गया WL²/12। क्लियर होगी बात है, ये हमारी आ गई नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, ये आ गई पॉजिटिव बेंडिंग। तो अब इसका सुपर इम्पोज करके कंबाइंड डायग्राम बना दिया जाए, तो इसको रब कर देते हैं, सीधा कंबाइंड डायग्राम बनाते हैं। अब देखो इसका कंबाइंड डायग्राम कैसे बनेगा बेंडिंग मूवमेंट, आप रिवाइंड करके दोबारा चेकआउट कर सकते हो। देखो ये आपका वो था, ये आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ये हटा दो आपका बन गया कंप्लीट बेंड, तो ये आ गया आपका, तो यहां ये पॉजिटिव है, ये क्या है आपका नेगेटिव। नेगेटिव की वैल्यू अभी अभी हमने देखी कितनी थी WL²/12, नेगेटिव कितना आ गया तुम्हारा WL²/12। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की, ये तुम्हारी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, किसकी बात कर रहे हैं हम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की। तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, टोटल यहां से लेके यहां तक कितना है, टोटल कितना आया तुम्हारा WL²/8 टोटल होता है, तो WL²/8 में से अगर मैं माइनस डब्ल्यू
एल स्क्वायर बाई 12 माइनस कर दूं, तो तुम सीधा सीधा कह सकते हो इसको 3 से गुना करके 24 बना लिया, इसको 2 से गुना करके 24 बना लिया, और ऊपर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी यहां से लेके यहां तक 24 3WL² - WL² / 24। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। अब इसको भी 24 बना लेते हैं नीचे को भी, तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं कि इस वाले डायग्राम में मेरी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट से ज्यादा कौन सी है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। यहां पे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट से ज्यादा मुझे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिल रही है, तो मेरे हिंजिस कहां पे बनेंगे पहले, क्योंकि इसी को कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंजिस, या कहो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में वीडियो में चेकआउट किया था। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट, या आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंजेस, कहां कहां पे, सीन्स, क्योंकि नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट कितनी है मेरी 2WL² / 24, चेकआउट कर सकते हो, इज ग्रेटर देन पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, वो कितनी है मेरी WL² / 24। सिंस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, सो फर्स्ट टू हिंजेस, अब दोनों हिंजेस एक साथ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ मेरी बराबर वैल्यू है, ये भी WL² / 2WL² / 24, ये भी 2WL², तो दोनों पॉइंटों पे ए और बी पे एक साथ हिंजेस आपके क्या होंगे, फॉर्मेशन। तो सो फर्स्ट टू हिंजेस विल डेवलप एट ए एंड बी साइमल्टेनियसली, दोनों पे किए जाते हैं। क्लियर होगी बातें। अब ये क्या है चीज, सिंस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, तो दोनों पे एक साथ हो रहे हैं, तो वैल्यू क्या होगी उस समय, मेरी लोड की वैल्यू क्या होगी जिस समय ये हिंजेस हुए, क्योंकि मुझे पता है एम इज इक्वल्स टू एम ए या एम बी कुछ भी ले लो WL² / 12, तो मैं कह सकता हूं उस समय मेरा लोड की वैल्यू क्या हो गई 12 MA / WL², या ये इस एल ए को क्या कह सकते हैं एम पी, कहां पे ए और बी के लिए, और ये एम पी कैसे निकालेंगे हम, वही सेम फॉर्मूला FY.ZP, जहां पे जेड पी क्या हो जाता है FY.A(Y1 bar + Y2 bar, ये मेरे पिछले लेक्चर्स में मैंने निकालना बताया कैसे निकालते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो ये वो लोड है, ये वो लोड कहा जा सकता है जिसपे ये दोनों पॉइंट ए और बी फेल होएंगे, ए और बी फेल होएंगे तो यहाँ पे मेरे हिंजिस बन जाएंगे, प्लास्टिक हिंजिस क्रिएट हो जाएंगे, और मैं कह सकता हूं कि अब ये बीम फिक्स बीम की जगह एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह रिएक्ट करेगा। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना दूं तो आपको पता है सिंपली सपोर्टेड बीम में बस नीचे से सपोर्ट होता है और यहाँ पे क्या होते हैं आपके हिंजेस होते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये नीचे से तो सपोर्टेड है, तो वैसे ही ये बिहेव करेगा पूरा टोटली, जैसे ही मेरे ये लोड पहुंचा, मैं लोड अप्लाई कराता जाता हूं बीम पे, जैसे ही मेरा ये लोड पहुंचा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों पे हिंजेस क्रिएट, और ये हिंजेस क्रिएट होते ही ये सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह बिहेव करेगा। अब और ज्यादा हम इस पे लोड डालेंगे तो मेरा कहां पर पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट में मेरी हिंजेस क्रिएट होगी, और वो भी कहां पे, जहां पे मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट है वो कहां पे होती है, सेंटर पे, तो सी मिलेगा मुझे थर्ड पे। तो यहां से आप नोट डाल के लिखो एक मार्क्स का, जैसे कि आप आदत धीरे धीरे जान चुके होंगे मेरी, मैं जो नोट डलवाता हूँ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से बन जाते हैं थ्योरेटिकल 1 मार्क्स के, और क्वेश्चन क्या कहते हैं, तो नोट डाल के हमने देखा redistribution of moment is responsible for reserve of strength। strength की reserve के लिए हमारा क्या responsible है, redistribution of movement,
यही आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो रिजर्व ऑफ स्ट्रेंथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया आपका, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट, या कहो फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंजेस, इसी को कहा जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट, 1 मार्क्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। अब हम चेक करते हैं कोलैप्स लोड। कोलैप्स लोड कब होगा, जब आपका तीसरा हिंज क्रिएट होगा, और तीसरा हिंज कब क्रिएट होगा, जब आप और ज्यादा मूवमेंट बढ़ाओगे। और ज्यादा मूवमेंट बढ़ाने से तो मैं कह सकता हूं WE इज इक्वल्स टू WI, एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल्स टू इंटरनल वर्क। और यहां पे एक्सटर्नल वर्क कितना है तुम्हारा, पूरा WL लोड बाय 2। क्यों किया, क्योंकि इंटेंसिटी, पिछली वीडियो में जब मैं सिंपली सपोर्टेड बीम का स्ट्रक्चर समझाया था तो उसमें कहा था कि इंटेंसिटी चेक की जाती है, तो WL लोड मेरा हाफ पे इनटू में, अगर इसका मैं फेलियर डायग्राम बनाओ, अब हिंज यहाँ भी क्रिएट हो चुका है, आपका हिंज यहाँ भी क्रिएट हो चुका है, आपका हिंज सेंटर पे भी क्रिएट हो चुका है, तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बातें, ये बराबर रहेगा क्योंकि सिमेट्रिक बीम है, तो थीटा थीटा, और ये ऐसे करने से यहाँ भी कितना हो गया थीटा प्लस थीटा। क्लियर होगी बात, ये आपका डब्ल्यू एल लोड हो गया। अब डब्ल्यू एल कितने में, हाफ में, तो डब्ल्यू एल बाई 2 है, जिसे कहा जाता है इंटेंसिटी हाफ इंटू में डब्ल्यू इंटू में एल। और ये वाला क्या हो गया डिफ्लेक्शन वाई, और वाई को अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एल बाई 2 थीटा। अब बार बार करके नहीं बताऊंगा तो क्या हो जाएगा एल बाई 2 थीटा। अब ये इंटरनल वर्क कितना है मेरा, यहां से एमपी थीटा प्लस यहां पे एमपी 2 थीटा प्लस बी पे एमपी थीटा। क्लियर होगी बात, और यहां से आपका आ गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 4 थीटा, और यहां से आ गया आपका 4 एमपी थीटा बाय 4 एमपी थीटा, थीटा से थीटा गया, और सॉल्व करके डब्ल्यू यू कितना आ जाएगा 16 एमपी बाय एल स्क्वायर, 16 एमपी बाय एल स्क्वायर। क्लियर होगी बात, तो ये क्या आ गया आपका कोलैप्स लोड, समझ में आ गई बात है, ये आपका क्या आ गया है कोलैप्स लोड इन द केस ऑफ यूडीएल ओवर फिक्स्ड बीम। क्लियर होगी बातें, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका कोलैप्स लोड। तो मैं कह सकता हूं ये वो लोड है जिसपे आपका तीसरा हिंज क्रिएट हो जाएगा और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा फेल। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे हम किसका केस, इसेंट्रिक लोडिंग का, किसका केस देख लेते हैं अब, इसेंट्रिक लोडिंग का, कोलैप्स लोड फॉर इसेंट्रिक लोडिंग, अभी कर देते हैं। इसेंट्रिक लोडिंग ओवर अ फिक्स्ड बीम, आपका फिक्स्ड बीम एज यूजुअल वही है, इस फिक्स्ड बीम पे मान लो आपकी लोडिंग डाल दी W, ये A है आपका, ये क्या है B, टोटल क्या है L, ये A B और टोटल क्या हो गया आपका L, तो यहां से आपको VA मिलेगा, यहां आपको क्या मिलेगा VB, टोटल क्या मिल जाएगी MA, यहां क्या मिल जाएगा MB, तो DS फिर से कितना हो गया 4 - 2, 2, और नंबर ऑफ हिंजेस कितने हो गए आपके, हाँ बिल्कुल 2 + 1 कितने हो गए 3, समझ में आ गई बात है, 2 + 1 कितनी हो गई 3। तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, मुझे यहां पे चाहिए डायग्राम, कौन सा मूवमेंट डायग्राम, वो किस प्रकार का होता है। देखो अगर इस केस में आप मूवमेंट डायग्राम ना भी बनाओ, क्योंकि इसेंट्रिक लोडिंग है, और सोम में मैं आपको बताऊंगा कैसे डायग्राम बनाते हैं, तो हम डायरेक्ट यहां पे क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट अब हम क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, अब एकदम ऐसे हमने पिछले लेक्चर्स में भी देख लिया निकालना कैसे क्या चीजें हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बस MB की वैल्यू क्या होती है WBA स्क्वायर बाय L, और यहाँ पे MA की वैल्यू क्या होगी WAB स्क्वायर बाय L, क्योंकि यहाँ A नजदीक है, B स्क्वायर बाय L ये हो जाएगा ये। अगर आपको ये नहीं पता है तो जब मैं सोम के लेक्चर लूंगा तो आपको सारा कुछ क्लियर कराएंगे, क्योंकि दोनों कंबाइन करके चलना धीरे धीरे सिलेबस बहुत स्लो हो रहा है, तो समझ में आ गई ये बातें, अपने यहाँ पे हम सोम की क्लासेस ले चुके हैं तो वो जल्दी कवर अप कर लेते हैं, तो डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल ये हो गया डब्ल्यू ए बी ए स्क्वायर बाय एल। क्लियर होगी बातें, अब मैं इसका बना रहा हूं, आपका यहाँ पे हो गया फेल,
ये क्या बन गया इसका फेल्ड कोलैप्स लोड पे डायग्राम। तो ये अगर आपका थीटा है और ये क्या हो जाएगा फिर से अल्फा, तो आप कह सकते हो ये ए है, ये आपका क्या है बी। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ डब्ल्यू ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू आई, और डब्ल्यू ई कितना हो जाएगा तुम्हारा डब्ल्यू इन टू में ए थीटा, बिल्कुल यही। और ये क्या है आपका कोलैप्स लोड। इधर एमपी क्या हो जाएगा देखो, ये थीटा है, ये सॉरी ये अल्फा है और ये आपका क्या है थीटा। तो मैं कह सकता हूं एमपी थीटा प्लस एमपी थीटा प्लस अल्फा प्लस एमपी अल्फा। क्लियर होगी बातें ये यहां पे सोल्व करके। और यहां से कैसे आ जाएगा ए थीटा आपका बी अल्फा के बराबर है, तो अल्फा क्या आ गया ए बाय बी थीटा। तो यहां पे बस पुट कर देंगे एमपी थीटा प्लस एमपी थीटा प्लस अल्फा की जगह ए बाय बी थीटा, फिर से एमपी ए बाय बी थीटा अल्फा की जगह। क्लियर होगी बातें। और सोल्व करके देखो एमपी थीटा तो यही है, ये क्या आ जाएगा एमपी ए प्लस बी थीटा बाय बी, और ये क्या आ जाएगा एमपी ए थीटा बाय बी। सबके नीचे बी एलसीएम लिया, तो जैसे ही मैंने यहां पे बी एलसीएम लिया ये हो गया एमपी बी थीटा, यहां पे हो गया एमपी ए थीटा प्लस एमपी बी थीटा, और यहां से क्या आ गया तुम्हारा एमपी ए थीटा बाय बी, और इधर क्या है डब्ल्यू यू इंटू में ए थीटा। अब ये थीटा सबसे क्या हो जाएगा कट जाएगा, और सॉल्व करके आप कह सकते हो इसको सॉल्व कर दे और फर्दर, तो ये क्या हो गया ए बी उधर चला गया, तो डब्ल्यू यू इज इक्वल्स टू दो ये बी वाले हैं दो ये, तो ट्वाइस ऑफ एम पी ए प्लस बी बाय ए बी, और डब्ल्यू यू क्या आ गया ट्वाइस ऑफ एम पी एल बाय ए बी। यही वैल्यू होती है आपकी कंसेंट्रिक लोडिंग में, ठीक है। क्लियर होगी बात है। तो ये थे इंपॉर्टेंस जो हमने देखे, कुछ अभी और भी रहते हैं जैसे कैंटिलीवर बीम प्रॉप कैंटिलीवर बीम, वो सब हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर होगी बात है। ये सब हमारे क्या है इंपॉर्टेंट थे जो कोलैप्स लोड के स्टैंडर्ड केसेस है कैसे आया। हाँ एक चीज और यहाँ पे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करे, फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक इंजीज कहाँ होगी, तो आप खुद कह सकते हैं कि पहले किस पे होगी ए और बी पे, और ए और बी में से पहले किस पे होगी ए पे, क्योंकि आप खुद देख रहे हो जितना ये इसके पास है उतनी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ ज्यादा होगी ए पे, उसके बाद ए और बी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी कि आपकी सी पे होनी है या बी पे होनी है। तो ये है इसकी प्लास्टिक फॉर्मेशन ऑफ हिंजेस। तो ये अगर आपको वन मार्क्स में पूछ लेता है फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंजेस कैसे कैसे होंगे, तो वो पैटर्न लिखा होता है शब्दों में और वो आपको समझ में आ गया। अब ये क्लियर होगी बात, आगे बढ़े। तो यहां से मैं अगर आपको समरी बता दूं, समराइज करते हैं, आप खुद भी देखो जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा है और ये देखा और साथ के साथ नोट्स बनाए हैं, तो अपने पेजेस को पलट के देखना जो चीज मैं अभी बोलने वाला हूं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहीं से चलते हैं। देखो ये मेरा कौन सा केस है फिक्स्ड बीम का, यहीं से चलते हैं उल्टा चलते हैं थोड़ा सा। ये किसका केस है फिक्स्ड बीम इसेंट्रिक लोडिंग, ये सेंट्रिक लोडिंग यहां से हटा के कहां लिख देते हैं यहां पे, क्योंकि ये दोनों के लिए सेम है इसेंट्रिक लोडिंग के केस में। क्लियर होगी बात। आपका इसेंट्रिक लोडिंग में फिक्स बीम की वैल्यू क्या थी, ये आप यही सिंपली सपोर्टेड बीम का देखो निकाल के, निकालो पीछे टर्न करो, देखो क्या था डब्ल्यू यू इज इक्वल्स टू एम पी एल बाय ए बी था यही, ठीक है। क्लियर होगी बात। अगर मैं बात कर लूं कंसंट्रेटेड लोड, नहीं यूडीएल देखते हैं, पीछे से चल रहे हैं तो उल्टा ही चलते हैं, समरी अपने हिसाब से बना रहे हैं हम, हमें सिर्फ समझ आना चाहिए। यूडीएल में डब्ल्यू यू क्या था फिक्स बीम में 16 एम पी बाय एल स्क्वायर, 16 एम पी बाय एल स्क्वायर, यही यहां क्या थी एस एस पी में डब्ल्यू यू 8 एम पी बाय एल स्क्वायर। क्लियर होगी बातें, याद करा रहा हूँ ये आसानी से याद रहने वाली है। अब ये है 16 एम पी बाय एल स्क्वायर, ये क्या है 8 एम पी बाय
एल स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड लोड एट सेंटर, कंसंट्रेटेड लोड एट सेंटर क्या थी, करो भाई देखो, डब्ल्यू यू क्या थी आपकी, 8 एमपी बाय एल, क्या थी 8 एमपी बाय एल, क्लियर होगी बात। और यहां पे डब्ल्यू यू क्या था, 4 एमपी बाय एल, चेकआउट हो गया, हो गया चेकआउट। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है, देखो ये एमपी एल बाय ए बी, 2 एमपी एल बाय ए बी, तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरी मूवमेंट एस एस बी के केस में है उसकी डबल मूवमेंट मेरी फिक्स्ड बीम के केस में है। फर्क किस पे है, प्लास्टिक मूवमेंट पे। देखो 8 एमपी, 8 का डबल 16 एमपी, 4 एमपी, 4 एमपी का डबल 8 एमपी, क्लियर होगी बातें। इंपॉर्टेंट था ये कि जो मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम में जो मूवमेंट मुझे मिलती है उसकी डबल फिक्स्ड बीम में मेरी प्लास्टिक मूवमेंट मिल जाती है, तो इसलिए फिक्स्ड बीम इकोनॉमिकल भी है एज कंपेयर टू सिंपली सपोर्टेड बीम। क्लियर होगी बातें, समझ में आया कि मुझे फिक्स्ड बीम की जो प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी है वो डबल है सिंपली सपोर्टेड बीम से। यहां से ये बात क्लियर हुई, समझ में आया अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं, नोट करना चाहते हैं नोट करो टेबल के फॉर्म में जल्दी से, हो गया नोट, चलो रब करते हैं नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट था ये, आप समझ भी गए होंगे और आपको अभी याद भी रहने वाला है, सिर्फ एक याद करो दूसरी अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। अब हम केसेस देखते हैं प्रॉप कैंटिलीवर के, स्टैंडर्ड केसेस फॉर प्रॉप कैंटिलीवर, स्टैंडर्ड केसेस फॉर प्रॉप कैंटिलीवर। तो अब हम स्टैंडर्ड केस देख रहे हैं किसके लिए, प्रॉप कैंटिलीवर। प्रॉप कैंटिलीवर कैसे होता है, कुछ इस प्रकार, इस पे सेंटर पे मान लो आपका डब्ल्यू लोड लगा हुआ है, ये ए पॉइंट आपका, ये क्या हो गया बी पॉइंट। तो दोस्तों होता क्या है, प्रॉप कैंटिलीवर किस लिए होता है, अगर आपसे जनरली यही पूछ लिया जाए कि प्रॉप कैंटिलीवर है क्या, प्रॉप कैंटिलीवर होता किस लिए अगर आपसे बोल दिया जाए, तो प्रॉप कैंटिलीवर का काम एक ही है, टू रिड्यूस बेंडिंग मूवमेंट एंड डिफ्लेक्शन। बेंडिंग मूवमेंट किस पे, फिक्स सपोर्ट की, और डिफ्लेक्शन किस पे, आपके फ्री एंड की। तो ये रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं कैंटिलीवर को, प्रॉप कैंटिलीवर। अब उसका स्टैंडर्ड केस देख रहे हैं, तो प्रॉप कैंटिलीवर का स्टैंडर्ड केस देख रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए हमारा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना, हमने ये सीख लिया। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैसे, यहाँ पे आपका वी ए लगेगा और एम ए होगा, यहाँ पे सिर्फ आपका क्या क्रिएट होगा, वी बी। तो टोटल इक्वेशन अननोन हो गई आपकी, तीन इक्विलिब्रियम है, दो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी वन, तो प्लास्टिक ऑफ हिंजेस रिक्वायर्ड, तो नंबर ऑफ हिंजेस या प्लास्टिक हिंजेस रिक्वायर्ड क्या हो गए, 1+1, 2। अब ये दो कहां बनेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो सब हम इसमें अब देखेंगे। इसके लिए क्या है, आपको वीबी का पता होना बहुत जरूरी है, पता होना तो ए का भी जरूरी है लेकिन वीबी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीएस वन है मतलब इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है ये, डिग्री ऑफ डिटर्मिनेसी इसकी वन है मतलब ये इनडिटर्मिनेट है, वन डिग्री, डिटर्मिनेट नहीं है। तो कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग कंपेटिबिलिटी कंडीशन। अब ये इलास्टिक एनालिसिस कर रहा हूं मैं, और इसीलिए मैंने कंडीशन बताई थी यूजिंग कंपेटिबिलिटी कंडीशन। अब तुम्हें समझ में आएगा ये कंपेटिबिलिटी कंडीशन कैसे इस्तेमाल की जा सकती है। मान लो मुझे वी बी निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, डिफ्लेक्शन से। अगर इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम बनाता हूं तो मुझे कैसे है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन, इसको यहां से रब करके इधर लिखते हैं, और इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम भी कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी सुपर पोजिशन से निकाली जाएगी इजिली करने के लिए। जब आपका यहां से फिक्स्ड है और आपका सिर्फ ऊपर वाले लोड के कारण डिफ्लेक्शन कैसे आएगी, देखो यहां तक ऐसी लोड आई और यहां से इसके बाद ये क्या हो जाएगा, सीधा एकदम। तो मैं कह सकता हूं ये क्या है, यहाँ पे स्लोप, और यहां से यहां तक की क्या है, ये डिफ्लेक्शन, जिसको क्या कहते हैं, डेल्टा वन, डब्ल्यू के कारण। ऐसी वीबी के कारण डिफ्लेक्शन क्या होगी तुम्हारी, ये वीबी लगा हुआ है, ये फिक्स है यहां से, तो डिफ्लेक्शन कैसी आ जाएगी, कुछ इस प्रकार, और ये डिफ्लेक्शन आ जाएगी तुम्हारी डेल्टा
टू ले लो या बी ले लो, तो ये डेल्टा टू ले लिया हमने, क्लियर होगी बातें। तो ये दोनों को अगर मैं सुपर इम्पोज कर दूं तो मुझे इन दोनों की कंबाइंड डिफ्लेक्शन, जो कि पहली जो इतनी डिफ्लेक्शन इसके कारण हुई है, इस लोड के कारण इतनी डिफ्लेक्शन होनी थी, ये इसको ऊपर कर देगा, मतलब इसकी डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी इस पॉइंट पे कम। तो अब हम इसकी डिफ्लेक्शन निकालते हैं, जिसको हमने कहा है यूजिंग कंपेटिबिलिटी कंडीशन, कंपेटिबिलिटी कंडीशन हम क्या इस्तेमाल करेंगे यहां पे, कंपेटिबिलिटी कंडीशन। और वो कंपेटिबिलिटी कंडीशन क्या है, देखो कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं इसका डब्लू लोड के कारण डेल्टा वन निकालूं, तो यहां पे डेल्टा वन प्लस ये क्या है थीटा वन, क्लियर होगी बात। इसमें से डेल्टा टू माइनस कर दूं तो मुझे डिफ्लेक्शन क्या मिलनी चाहिए, जीरो। किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। मैं कहां पे निकाल रहा हूं, बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन, क्योंकि इसके कारण जो डिफ्लेक्शन आएगी, इसके कारण तो यहां पे डिफ्लेक्शन क्या है, नील, जीरो हो जाएगी। तो वही चीज होती है हमारी कंपेटिबिलिटी कंडीशन, क्लियर होगी बात। अब इसका वैसे फॉर्मूला होता है कैंटिलीवर के लिए, याद रखना डिफ्लेक्शन निकालने का, डब्ल्यू एल क्यूब बाय थ्री ई आई क्यूब, सॉरी क्या होता है डब्ल्यू एल क्यूब बाय थ्री आई। और यहाँ पे एल क्या है, ये एल बाय टू, ये भी आपका क्या है एल बाय टू। तो मैं कह सकता हूं कि डब्ल्यू एल बाय टू का क्यूब बटा में थ्री ई आई प्लस ये वाली चीज निकालनी है, तो मैं कैसे, डेल्टा वन या थीटा वन प्लस एल बाय टू मल्टीप्लाई कर दूंगा। और थीटा वन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो थीटा निकालने का फॉर्मूला है ये, डेल्टा निकालने का डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू ई आई। ये मैं सोम में डिफ्लेक्शन चैप्टर में अच्छे से कराऊंगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाय टू का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इस डब्ल्यू के लिए ये क्या है एल बाय टू ही है, बाय टू ई आई इंटू में एल बाय टू, क्योंकि ये थीटा की जगह एल बाई टू थीटा ये है मेरा, तो एल बाई टू इंटू में थीटा ये हो गया, माइनस वीबी के कारण क्या हो जाएगी, वीबी एल क्यूब बाय थ्री ई आई, ये किसके बराबर, आपकी जीरो के बराबर, क्लियर होगी बातें। अब मैं यहां से अगर इस पे अप्लाई कर दूं तो मैं कह सकता हूं, क्या कहा जा सकता है कि वीबी ये उधर जाके इसमें हो गया एल क्यूब बाय थ्री ई आई किसके बराबर है, डब्ल्यू एल क्यूब बाय ट्वेंटी फोर ई आई प्लस डब्ल्यू एल क्यूब बाय ये क्या हो जाए दो दूनी चार और चार सोलह ई आई, इसको तीन से गुना कर लो, इसको दो से अड़तालीस, अड़तालीस तो ऊपर भी दो से तीन से, तो मैं लिख सकता हूं वी बी VBL क्यूब बाय 3 EI इज इक्वल्स टू 3 और 2 5 WL क्यूब बाय 48 EI 5 तो SDs रहेगा, L क्यूब से L क्यूब यहां से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये मैं कह सकता हूं L क्यूब से L क्यूब गया, EI से EI गया और 3 16 16 दिए 48, 16 3 जा 48, तो VB की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5W by 16। ये निकाली जाती है ऐसे इक्वेशन, ये कंपेटिबिलिटी कंडीशन भी आपको लगानी आ गई। ये कंपेटिबिलिटी कंडीशन किसकी थी, इलास्टिक एनालिसिस की, और वहीं पे हमारे प्लास्टिक एनालिसिस में वो किस में बदल जाती है, मैकेनिज्म कंडीशन में, क्लियर होगी बातें, काइनेमेटिक मेथड में, और उसी का इस्तेमाल हम बार बार कर रहे हैं। मैंने कहा था काइनेमेटिक मेथड इजी पड़ता है, क्योंकि काइनेमेटिक मेथड क्या इस्तेमाल करता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, डब्ल्यू ई एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू इंटरनल वर्क, क्लियर होगी बातें। अब मुझे सिर्फ अब इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है, क्योंकि मुझे वीबी मिल चुका है, वीबी मुझे मिल गया, अब मेरा काम क्या रह जाता है यहां से, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना। तो बना देते हैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, और वो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, ये आपका कुछ इस प्रकार, और यहां पे फिक्स्ड है, इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। अब ये वैल्यू सेंटर पे, मतलब जहां पे आपका लोड है, ये कितना हो जाएगा, ये कैसे पता चलेगा हमें, देखो यहां पे था वीबी, वीबी की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी 5W by 16, यहां से भी रब कर देते हैं, अब ये लिखी गई ऊपर 5 WL by 16 into L by 2, मैं क्या कह सकता हूं 5 WL
बाय 32, क्या हो जाएगी 5WL बाय 32। और यही वैल्यू यहां तक कितनी हो जाएगी, यहां पे कैसे निकालेंगे, 5W बाय 16 इंटू में टोटल डिस्टेंस L माइनस ऊपर से WL बाय 2, ये 6 नहीं सॉरी L है 5W, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5WL बाय 16 माइनस इसको 16 करने के लिए 8WL बाय 16 और ये हो जाएगा माइनस 3WL बाय 16। तो सीधा सीधा ये क्या है, माइनस हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव आ गया एकदम सही, ये हो गया 3WL बाय 16। क्लियर होगी बात है, ये आ गया 3WL बाय 16, समझ में आई। अब ये चीजें तो हमें क्लियर होगी, तो अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कौन सी बड़ी है, नेगेटिव या पॉजिटिव, कौन सी बड़ी है, आप खुद ही देखो, इसको लिख सकते हैं हम ढाई WL 2.5 WL by 16 या इसको लिख सकते हैं 6 WL by 32, कैसे भी कर सकते हो आप, ये नेगेटिव है तो कौन सी बड़ी है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो पहला प्लास्टिक हिंज कहां क्रिएट होएगा, A पे, क्लियर हो, इसी को कहा जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोमेंट। तो मैं यहां कह सकता हूं और कह दिया मैंने कि सिंस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, सो फर्स्ट प्लास्टिक हिंज विल बी डेवलप्ड एट ए। और इसका लोड कितना होगा, वही हमें पता है डब्ल्यू वन वो 3WL बाय 16 किसके बराबर, मेरा MP, और ये MP कैसे निकाला जाएगा, FY डॉट A by 2 Y1, ये बार बार लिख रहा हूं मैं तो समझ लेना, गलती मत होना, ये मूवमेंट वो नहीं है जो बेंडिंग मूवमेंट। तो मैं कह सकता हूं यहां से W1 कितना आ गया 16 MP by 3L, और आपके पेपर में आ सकता है ये 5.33 MP by L, पेपर में पूछा गया है कि प्रोब कैंटिलीवर के केस में फर्स्ट प्लास्टिक हिंज पे कौन सा लोड होता है 5.33 MP by L, ये ऑप्शन से था, इसकी वैल्यू कहां से आई है 16 MP by 3L से। क्लियर होगी बात, ये फर्स्ट प्लास्टिक हिंज क्रिएट होने के लिए, इसलिए मैं इतना अच्छे से डीप से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन बीच से भी उठा लेते हैं वो, और एक मार्क्स का बनाना है उन्होंने इजिली के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, मूवमेंट निकाली, मूवमेंट MP के बराबर करी, हमें आ गया। तो फर्स्ट प्लास्टिक हिंज तो आपका डेवलप हो गया ए पे, दूसरा प्लास्टिक हिंज की अब हम बात करेंगे, उसके लिए हमें क्या लगाना है, दूसरे प्लास्टिक हिंज के लिए डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू आई, और डब्ल्यू कितना आपका डब्ल्यू इंटू में इन एल बाय टू थीटा। क्लियर होगी बात है दोस्तों, डब्ल्यू इंटू में एल बाय टू थीटा, अब इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैं 6 केसेस इससे पहले डिस्कस कर चुका हूं और उनमें हमने देखा ये कैसे आता है। और अब क्योंकि पहला हिंज यहां पे बना है तो ये हो जाएगा एमपी थीटा प्लस, ये बीचों बीच है तो मैं कह सकता हूं बीचों बीच है, तो मेरा इस लोड के नीचे ही, क्योंकि हमने पढ़ा था प्लास्टिक हिंज कहां कहां पे डेवलप होता है, या तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट मुझे कहां मिल रही है, ये रीड हाई पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट की बात होगी, अब नेगेटिव का मैं काम कर चुका हूं, तो ये हो जाएगा एमपी थीटा और एमपी 2 थीटा, तो सॉल्व करके कितना आ गया, थीटा से थीटा गया कट, और डब्ल्यू यू कितने के बराबर आ गया आपका 3 MP इंटू में 2 बाय L और 6 MP बाय L, ये आपकी फिक्स्ड वैल्यूज हैं जिनमें आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है MP की L की, और वो सब आपको क्या दे देंगी कोलैप्स लोड। तो ये हमने देख लिया किसका केस, प्रोब कैंटिलीवर का, जिसमें सेंटर में क्या है आपका कंसंट्रेटेड लोड। क्लियर होगी बातें, अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे आपसे कि प्रॉप कैंटिलीवर में यूडीएल लगा हुआ हो, प्रॉप कैंटिलीवर में एसेंट्रिक लोडिंग हो, और ज्यादा क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में कि इसे कैंटिलीवर से या इसे कोलैप्स लोड से कैसे निकालना है, आपने सेक्शन चेंज करके देगा, वो सब देखेंगे हम अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना बहुत है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।